नमस्कार, आदाब। न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की सुर्खियां। एनएफएचएस 5 रिपोर्ट में प्रजनन दर कम दिखी, यूपी में छोटे बच्चों की स्थिति हुई खराब। दिल्ली के श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल। श्रीनगर में 3 संदिग्ध आतंकियों की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन, पुलिस से मुठभेड़। और कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 9000 से ज्यादा नए मामले। अब खबरें विस्तार से। करीब 1 साल की देरी के बाद सरकार ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े जारी किए। 2019-21 तक के सर्वे में ये 5वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के अलावा 13 अन्य राज्यों के आंकड़े को रखा गया है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बच्चों महिलाओं के बीच एनीमिया और बच्चों में भुखमरी गंभीर रूप से बढ़ी है। 2015-16 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच भुखमरी 6% थी, जो अब 7.3% हो गई है। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच अनीमिया भी 63% से बढ़कर 66% हो गया है। ऐसे में यूपी को उत्तम प्रदेश बताने वाले दावे यहीं विफल होते दिख रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि देश में फर्टिलिटी दर में काफ़ी कमी आई है, जिसकी वजह से जनसंख्या स्थिर होती दिख रही है। देश की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर 2 हो गई है। वहीं सेक्स रेशियो में भी सुधार हुआ है। पहली बार ग्रामीण इलाकों में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा हो गई हैं। ग्रामीण इलाकों का सेक्स रेशियो 1000 बच्चों में 1037 महिलाएं हैं, वहीं शहरों में 1000 पुरुष पर 985 महिलाएं हैं। अब चलते हैं दिल्ली। आज दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों के श्रमिकों ने हड़ताल की। न्यूज क्लिक के पत्रकारों ने इस हड़ताल को कवर किया है और श्रमिकों से बात की है। आइए सुनते हैं। मजदूरों के लिए हड़ताल चल रही है मैडम ये, क्योंकि मजदूरों का न्यूनतम वेतन नहीं दे रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही दिन पे दिन, उसके लिए मजदूरों के लिए, भलाई के लिए और किसान एकता के लिए हमने हड़ताल रखी है। हमारा मुद्दा है न्यूनतम वेतन मिले मजदूरों को, मजदूरों के 8 घंटे की उनकी ड्यूटी हो, 12 घंटे उनसे काम ना किया जाए और इनको पूरा 26,000 को न्यूनतम वेतन दिया जाए, ये हमारी मांगे हैं। जो देश में महंगाई बढ़ रही है, मजदूरों का वेतन घट रहा है, मजदूरों को अभी दिल्ली सरकार ने 16,064 रुपये घोषणा किया कि 1 अक्टूबर से मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं है। 8,000-7,000 ये वेतन मिलता है और अभी कोरोना काल के बाद जो दिल्ली की सरकार है या केंद्र की सरकार है, उन्होंने घोषणा की थी कि भाई कोरोना का पैसा नहीं मजदूरों का काटा जाएगा, वो पैसा भी नहीं मिला, उल्टा उनका जो वेतन मिल रहा था उसमें से भी कम कर दिया। यानी कि किसी मजदूर को अगर 12,000 मिलता था तो उसको 10,000 कर दिया, 10,000 वाले को 8,000, 2,000 रुपये घटा दिए। तो ये सारी जो मार मजदूर के ऊपर पड़ी है आज कोरोना काल के बाद में, और ये इन्होंने जो पूंजीपतियों की और सरकारों की मिली भगत से जो मजदूर पिस रहा है उसके खिलाफ ये हड़ताल हो रही है। आज महंगाई का ये हालत है कि हर परिवार का पूरा परिवार कमाने के लिए जा रहा है, उसके बच्चे बीवी स्कूल बंद हैं, स्कूल चल नहीं रहे, तो जो बच्चे हैं वो भी अभी काम पे जा रहे हैं, पूरा परिवार कमा रहा है, जब भी गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, सिलेंडर 1,000 के करीब होने जा रहा है। तो ये सारी जो मजदूरों के ऊपर मार है, आम जनता के ऊपर मार है, इसको लेकर के आज हड़ताल कर रहे हैं और आज पूरी दिल्ली के अंदर हड़ताल रहेगी। वजीरपुर, राजधानी, दो नगर, बादली, ये सब आम क्षेत्र जो है उनमें भी सब ये हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा है। श्रीनगर के रामबाग इलाके में बुधवार को पुलिस द्वारा 3 संदिग्ध आतंकवादियों के मारे जाने के बाद श्रीनगर के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों से मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बुधवार शाम को 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गोली मारी, जिसमें तीनों की मौत हुई। पुलिस का कहना है कि ये तीनों लश्कर ए तैयबा के एक संगठन से जुड़े हुए थे और श्रीनगर में 2 स्कूल टीचर और 2 पुलिस वालों की हत्या में इनका हाथ था, मगर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। चश्मदीदों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने तीनों को सरेंडर करने तक का मौका नहीं दिया और उनके निहत्थे होने के बावजूद उन्हें गोलियां मारी। पिछले कुछ महीनों में पुलिस प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें आम जनता दावा करती है कि पुलिस ने जिसे मारा है वो आतंकी नहीं था और ना ही पुलिस इसकी पुष्टि कर पाती है। ऐसे में इस तरह की घटनाओं के खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ रहा है और पुलिस से मुठभेड़ भी बढ़ रही है। अब कोरोना अपडेट।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 25 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और 396 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान कोरोना से पीड़ित करीब 10,200 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में लगभग 1500 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के कुल मामले अब करीब 3,45,00,000 हो गए हैं, जिनमें से अब तक 4,66,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक करीब 3,40,00,000 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या 1,09,000 के करीब हो गई है। वहीं देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक लगभग 119,38,00,000 डोज दी जा चुकी है, जिनमें 90,27,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई। आज खबरें इतनी ही। हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए न्यूज़ क्लिक वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखिए।